ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। बंदित्तु सब सिद्धे द्रुम चलमणो भवम गतिम पत्ते बोक्षामि समय पावुर मिणमो सुध केवली वणिदम। नम समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्य मे प्रकाशताम। पूज गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में आए हुए जो सुंदर और चुनिंदा बोल हैं वो इस द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर नाम के ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। मुझे ऐसा विचार आया कि अपन इस पर ही चर्चा करते हैं। यद्यपि कल तक हम छह डाला का स्वाध्याय कर रहे थे जो कि हमारी दोपहर की दैनंदिनी चर्चा में लगातार चल रहा था, पर आज ऐसा लगा कि आप सब लोग उपस्थित हैं और लॉकडाउन का समय चल रहा है इसलिए अपन इसका लाभ लेते हैं। द्रव्यष्टि जिनेश्वर का स्टार्टिंग ही करते हैं। ओम परमात्मने नमः। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जैसा कि इसका नाम ही है कि द्रव्य को यदि दृष्टि में लिया जाए, द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य को देखा जाए तो वो जिनेश्वर है। इस जीव ने आज तक अपने द्रव्य को कभी अपनी दृष्टि में ही नहीं लिया, हमेशा ये जीव पर्याय को ही दृष्टि में लेता रहा, इसलिए इसे आज तक कभी अपने भगवानपने की प्रतीति नहीं हुई। ये जीव कभी सुखी नहीं हुआ क्योंकि ये नियम है कि पामरता के आश्रय से आज तक कोई कभी सुखी नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा भी होता है और वह गंदगी में लोट कर आया हो, नहा नहीं रहा हो, तैयार नहीं हो रहा हो, तो माँ उसे राजा बेटा ही कहती है, गंदा बेटा कहती है, कहे तो बच्चा नाराज हो जाए और वो काम ही नहीं कराए जो उसे करना चाहिए। जैसे वो माँ राजा बेटा कहकर पुचकार कर उस बच्चे को नहाने के लिए तैयार कर देती है, ऐसी जिनवाणी माँ हमें भगवान कहती है लेकिन हम अपने को पामर मानते हैं, दीनहीन मानते हैं। तो जिनवाणी माँ कहती नहीं, तू दीनहीन नहीं है, तू तो परमात्मा है, तू प्रभु है, तू चैतन्य हीरा है। ऐसी सुंदर सुंदर शब्दों से, गुणों से वो हमें संबोधित करती है तो हमारा उत्साह जग जाता है और हम अपने प्रभुपने को स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो, मैं ज़्यादा भूमिका न जमा कर इसको स्वाध्याय प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले ही पूज गुरुदेव श्री का एक मंगल आशीर्वाद है, आशीर्वचन है। यदि आपके पास द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर हो तो आप अवश्य उसे खोल सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। सर्वजीव साधर्मी है, सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो, कोई जीव अपूर्ण ना हो, कोई जीव अल्पज्ञ ना रहो, कोई जीव विरोधी ना रहो, कोई जीव विपरीत दृष्टिवंत ना रहो, सर्व जीव सत्य के मार्ग में आ जाओ और सुखी हो जाओ, किसी जीव में विषमता ना रहो, सर्व जीव पूर्णानंद रूप प्रभु हो जाओ। श्री समयसार गाथा 38 के कलश में अमृत चंद्राचार कहते हैं कि सर्व जीव आत्मा में मग्न हो, कलश है ना, बज्जन्तु निर्झरममि संवैक लोका, कि हे जगत जी, जगत के जीवों, ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में निमग्न हो जाओ। तो ऐसा अमृत चंद्राचार कह रहे हैं कि सर्व जीवो आत्मा में मग्न हो। आहा, देखो ज्ञानी की भावना, स्वयं पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में मग्न होते हैं, इसलिए समस्त जीव भी पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, ऐसा कहते हैं। देखो, अब चर्चा चालू करते हैं।
ये तो बोल था। सबसे पहले गुरुदेव कह रहे सर्व जीव साधर्मी है। साधर्मी, साधर्मी को क्या, साधर्मी किसे कहते हैं कि समान, एक मिनट ये क्या हुआ भाई, एक मिनट इसमें क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि नहीं, नहीं देख रहा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं कि सर्व जीव साधर्मी है। साधर्मी का अर्थ होता है सहधर्मी, जो हमारे समान धर्मी हो उसको साधर्मी कहते हैं। लेकिन जब साधर्मी की चर्चा आती है तो जब उसे अपने धर्मी की खबर हो तब वो सामने वाले को साधर्मी देख सकता है। तो जो अपन साधर्मी साधर्मी कहते हैं मंदिरों में जाते हैं व्यवहार से, तो उस साधर्मी का अर्थ होता है जो हमारा समान बुद्धि का धारक हो, जो हमारे साथ धर्म करता हो, जो हमारे साथ धर्म की क्रियाओं में संलग्न हो, जो हम साथ मिलकर धर्म मार्ग में आगे चलते हों, तो उसे व्यवहार से साधर्मी कहते हैं। और परमार्थ से जैसा धर्मी हमारे पास है ऐसे ही धर्मी उस सामने वाले के पास है, तो वो साधर्मी है। अब इस अपेक्षा देखो तो हम भी जीव हैं और तो जगत की प्रत्येक जीव जीव हैं, तो ऐसा जगत में कौन है जो हमारा साधर्मी नहीं है। तो जगत का प्रत्येक जीव हमारा साधर्मी है, इसलिए गुरुदेव श्री करे सर्वजीव साधर्मी है। अब कितनी व्यापक दृष्टिकोण है। और यदि सर्वजीव साधर्मी है और हमने ऊपर पढ़ा द्रव्य दृष्टि जनेश्वर कि द्रव्य की तरफ से देखें, द्रव्य की दृष्टि से देखें तो जीव जनेश्वर है, भगवान है। तो जब सब जीव साधर्मी हैं, सब जीव बराबर हैं, तो सब जीव द्रव्य दृष्टि से देखे जाए तो परमात्मा है। तो एक भी जीव ऐसा नहीं है जो परमात्मा नहीं है। जगत में छोटे से छोटा कुंथू जीव भी है तो वो परमात्मा, और बड़े से बड़ा जीव भी है तो वो भी परमात्मा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जगत में जो परमात्मा नहीं है। तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि हम द्रव्य दृष्टि से नहीं देखते। हम यदि द्रव्य दृष्टि से देखें तो हमें वो परमात्मा दिखाई देने लगे, लेकिन द्रव्य दृष्टि नहीं है तो परमात्मा दिखता ही नहीं है। और आप देखो, यदि हम सचमुच उस जीव को उसके द्रव्य की तरफ से देखें, उसकी सामर्थ्य की तरफ से देखें, तो अभी बना बनाया परमात्मा है वो। लेकिन विडंबना ये है कि बाहर से ऐसा द्रव्य दिखाई नहीं देता और बाहर से दिखाई देती है पर्याय। तो जो बाहर से पर्याय दिखाई देती है तो वो जीव दिन भर उस पर्याय को देखता रहता है। ये तो चींटी है, ये तो कुत्ता है, ये तो छिपकली है, मैं तो ये हूँ, तुम तो पत्नी हो, तुम तो ये हो, भैया ये जो भी तुम्हें अंतर दिखाई दे रहा है वो सब पर्याय का है। और पर्याय का अंतर पर्याय में ही रहने दो, पर्याय में अंतर रहेगा ही। जगत में जितने जीव हैं सबके पर्याय में अंतर रहेगा, लेकिन द्रव्य एक ऐसा है जो सबका बराबर है, इसलिए द्रव्य में किसी के अंतर नहीं रहेगा। इसलिए द्रव्य की तरफ से देखें तो सब साधर्मी है। एक दूसरी तरफ से देखना, साधर्मी का अर्थ हुआ सहधर्मी, जिनके पास ऐसा धर्मी आत्मा वे सब साधर्मी। मतलब यदि तुम इस तरह से उनको परमात्मा नहीं देखते हो, द्रव्य नहीं देखते हो, जीव नहीं देखते, तो तुम्हें साधर्मी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो समानता का व्यवहार होना चाहिए ना, सब एक से लगने चाहिए। तो तुम यदि उनको अपने बराबर का नहीं देखते हो, प्रभु नहीं देखते हो, जीव नहीं देखते हो, तो वो साधर्मी ही नहीं है तुम्हारे। इसलिए उनके प्रति वात्सल्य नहीं आता, एक इंद्रिय जीव के प्रति वात्सल्य नहीं आता। उन तुमने जीव देखा तो वात्सल्य आता, दो इंद्रिय जीव के प्रति, चार इंद्रिय जीव के प्रति, पंचेंद्रिय पशुओं के प्रति, नारकियों के प्रति वात्सल्य नहीं आता इस जीव को। त्रियंज गति के जीवों के प्रति वात्सल्य नहीं आता, क्योंकि वे सब हमें अपने साधर्मी लगते ही नहीं हो। साधर्मी कब लगेंगे वो, जब तुम उन्हें जीव देखोगे, क्योंकि जीव और जीव बराबर है। जीव को अपना साथी, अपना धर्मी, ऐसे ही दूसरे का धर्मी, सहधर्मी, बराबर के हो गए दोनों। तो साधर्मी देखने वाले को सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, और जो साधर्मी नहीं देखेगा उसे सुख नहीं मिलेगा। अब ये साधर्मी की परिभाषा नक्की कर लेना कि जिसके पास धर्मी है, धर्मी नाम आत्मा का, वो साधर्मी है। तो ऐसा जगत में कौन जीव है जिसके पास आत्मा नहीं है, जो जीव नहीं है? तो जगत के सारे जीव साधर्मी है, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ से चालू किया। ये भी कितना व्यापक दृष्टिकोण है कि हमें जब सब जीवों की तरफ ये सुंदर संदेश पहुँचाना है
तो हम सब जीवों को भगवान देखेंगे, हम सब जीवों से वो भगवान तरीके देखेंगे, जीव तरीके देखेंगे, तब हम उनके पास ये द्रव्य दृष्टि के संदेश पहुंचा पाएंगे। मतलब वसुदेव कुटुंबकम जैसी बात है, जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो जीव ना हो, और यदि वो जीव है तो हमारा साधर्मी है, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है। अब आगे देखो, सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो। अब देखना, जीव है तो जीव अपने पड़ा चढ़ाला में आत्म कोहित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता ना आकुलता से माही याते शिवमग लागे चाहिए। तो इस जीव का हित किस में है कि पूर्णानंद की प्राप्ति में। पूर्णानंद की प्राप्ति में क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव सुखी रहना है, उसका स्वभाव सुख है। और टोडामली साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है कि ये जीव सब बर्दाश्त कर सकता है, दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी हाइट बर्दाश्त कर सकता है, काला रंग बर्दाश्त कर सकता है, बड़ी हाइट बर्दाश्त कर सकता है, दुबलापन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जीते जी अपने बस रहते दुख तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वहाँ प्रश्न खड़ा किया नौवें अधिकार में कि ऐसा क्यों है, ये जीव दुख क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? क्योंकि इसका नेचर सुख रूप है, सुखमयी है, तो ये जीव सुखी रहना चाहता है, और सुखी नहीं रह पाता तो दुखी होता है। तो नेचर के खिलाफ होने से इसको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए एनी हाउ ये दुख दूर करना चाहता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो। अब पूर्णानंद कौन सी दशा में है कि सिद्ध दशा में है, मुक्ति की दशा में है। इसलिए सारे जगत के जीवों, तुम मुक्ति सुंदरी को वरण करो, तुम मुक्ति सुंदरी को प्रकट करो, अर्थात परिपूर्ण सुखी हो जाओ, भगवान बन जाओ। इसलिए जगत के जितने भी जीव हैं उनके प्रति ऐसी भावना है कि सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो। अब देखना ये कितना गहरा रहस्य छिपा है इसके अंदर। अब आप जितने भी, जब भी कोई भी जीव को देखते हो तो आपको उसके प्रति क्या भावना आती है? हे प्रभु, ये भगवान बन जाए, पूरा सुखी हो जाए, इसके सारे दुख मिट जाए, ऐसी भावना चलनी चाहिए। अब तो कैसी भावना चलती है? किसी के प्रति द्वेष बुद्धि हो तो ऐसा चलता है, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए, इसका नाश हो जाए कि ये अमर हो जाए, भगवान बन जाए। सोचो कितनी विशाल भावना है। इसलिए तो मिथ्या दृष्टि को उस जाति का पुण्य बनता ही नहीं है जिस जाति का पुण्य ज्ञानी को बनता है। तो उनकी भावना ऐसी है कि जगत के सारे जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो, कोई भी जीव। और देखना इसमें भी कितना गहरा रहस्य है कि कोई अधूरे सुख को भी प्राप्त ना हो, पूरे सुख को प्राप्त हो। मतलब भगवान बन जाए वो, भगवान से नीचे कहीं संतोष नहीं, कहीं अटकने का काम नहीं, कहीं भटकने का काम नहीं, मतलब उसको परिपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, अपने लिए बस नहीं, हो सबकी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। लेकिन पता है इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा है कि जब तुम्हें उस मार्ग में सुख दिखे, जब तुम्हें मोक्ष मार्ग में सुख दिखे, तब तुम्हारी भावना ऐसी होगी कि ये सब सुखी हो जाए। अब इसके पीछे एक रहस्य और है, यदि तुम्हें भोगों में सुख दिखता है तो तुम्हारी ये भावना चल रही कि सब ऐसे सुखी हो जाए, सब भोगी हो जाए। यदि तुम्हारे अंदर में पाप में सुख बुद्धि चल रही है, शराब पीने में सुख बुद्धि चल रही है, तो हे प्रभु सबको मिलती रहे, सब सुखी हो जाए, सब ऐसा हो जाए। परिग्रह में सुख दिखता हो, स्त्री में सुख दिखता हो, तो ऐसा लगता भी है सबके विवाह हो जाए, सबके मकान बन जाए, सबके घर बन जाए। ऐसी क्यों भावना हो रही है? मतलब जिसको जिसमें सुख दिखता है उसको उस तरह की सबके प्रति की भावना होती है। अपन अपने घर पर कोई खीर बनाए, कोई मिष्ठान बनाए, तो और अपना बच्चा बाहर हो तो ऐसी भावना नहीं होती कि आज हमारा बच्चा होता तो भैया वो भी खा लेता, इतनी बढ़िया खीर बनी, हमें याद आती उसकी। ऐसे ही ज्ञानियों को स्वभाव का सुख दिखता है, पूर्णानंद सुख दिखता है, परिपूर्ण दशा का सुख दिखता है, तो वे ऐसी भावना भाते कि ये प्रभु सब जीव सुखी हो जाए। और अज्ञानी को भोगों का सुख दिखता तो उसको क्या लगता, भैया सबको ऐसी गाड़ी मिल जाए, सबको ऐसी लाड़ी मिल जाए, सबको ऐसी बाड़ी मिल जाए। इसलिए तो भावना भावना का फल है। किसी का फोन चालू है, उसको म्यूट करा दो, आवाज आ रही है। देखो आगे, सर्व जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो, कोई जीव अपूर्ण ना हो, कोई जीव अल्पक ना रहो। अब कोई भी जीव अपूर्ण ना रहो, अपूर्ण का क्या अर्थ है? पूर्ण सुखी हो जाए, इसका क्या अर्थ है कि गुरुदेव श्री देख तो तुम्हें द्रव्य से रहे हैं
लेकिन तुम्हारे पर्याय में जो अल्पज्ञता है, तुम्हारे पर्याय में जो अपूर्णता है, उस पर्याय की पूर्णता की भावना भा रहे हैं, उस पर्याय में पूर्णानंद की भावना भा रहे। तो अपूर्ण मतलब क्या कि जीव की जो ओरिजिनल दशा है, परिपूर्ण सुखरूप दशा है, वो मुक्ति है। तो ये जीव जब तक मुक्ति में नहीं पहुंचता, तब तक ये जीव अपूर्ण दशा में। कैसी अपूर्णता? कि केवल ज्ञान में ज्ञान की पूर्णता, छायिक सम्यक में सम्यक की पूर्णता, श्रद्धा की, छायिक चारित्र में चारित्र की पूर्णता, अव्यावाद सुख में सुख की पूर्णता, अनंत वीर में वीर की पूर्णता। अब आप देखो, आपको यदि ये दशा प्रकट नहीं हुई है, तो आप इन इन दशाओं में अपूर्ण हो। ज्ञान कैसा? छठा छठा है छिवसम ज्ञान। श्रद्धा कैसी? मिथ्या। चारित्र कैसा? आनंद का अंश भी प्रकट नहीं हुआ। वीर कैसा? विपरीत परनम्रा। इस सब में लगा लो आप, दर्शन ज्ञान चारे सुख। सुख कैसा? कि दुख रूप परनम्रा। इसलिए कह रहे हैं वो कि अपूर्ण दशा, सब किसी की अपूर्ण दशा न रहे, सब परिपूर्णता को प्राप्त हो, कोई अल्पज्ञ न रहे, सब सर्वज्ञ बन जाए। अब अल्पज्ञता पर ऐसा ख्याल आता है, जगत के जितने जीव दुखी हैं, अज्ञान से दुखी हैं, और जब तक ये जीव अल्पक रहेगा, तब तक उसका दुख नहीं मिटने वाला। इसलिए ऐसी भावना भा रहे हैं कि सब जीव सर्वज्ञ हो जाए, कोई अल्पज्ञ ना हो, कोई जीव विरोधी ना रहो। किसके विरोधी ना रहो? कि सबसे पहले अपने, अपना विरोधी ना रहे कोई। सारे जीव जैसा इसका स्वभाव उसके अनुकूल हो जाए। इसका क्या अर्थ है? कि है परमात्मा, अरे मैं श्रेणी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कि तुम अपने विरोध कर रहे हो, तो श्रद्धा में अपना विरोध मिट जाए। है ज्ञायक, है जानने देखने वाला, मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा आती है, कि तुम जानने देखने वाले, तुम अपने विरोध कर रहे हो, कि नहीं नहीं मैं तो करता धरता हूँ। तो जानने देखने वाली शक्ति का विरोध किया तुमने, सर्वज्ञ शक्ति का विरोध किया, कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और तुम्हारी ताकत कितनी है? सर्वज्ञता की ताकत है। तो सर्वज्ञता का भी विरोध किया तुमने, अपनी श्रद्धा का भी विरोध किया, और जिस पर्याय में अनंत सुख प्रकट होना चाहिए, वहाँ क्या प्रकट हो रहा है? अनंत दुख। तो जहाँ सुख प्रकट होना चाहिए, वहाँ हो रहा अनंत दुख। तो ये किसका विरोध चल रहा है? कि अपना हर चीज। अब सोचो, अनंत गुणों की अनंत पर्याय है, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय में अपना विरोध चल रहा है। वैसे सर्वता नहीं चलता, कुछ सीमित पर्याय हैं, पर किसी अपेक्षा कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा उल्टी हो वहाँ सब उल्टा होता है। इसलिए ये जीव किसका विरोधी हो रहा है? कि अपना। फिर दूसरी तरफ से देखो तो ये जीव अपना विरोधी हो रहा है, और उधर देखो तो सर्वज्ञ का विरोधी हो रहा है, जिन आगम का विरोधी हो रहा है, श्री गुरुओं का विरोधी हो रहा है, जिन शासन का विरोधी हो रहा है। वो कह रहे भोगों में सुख नहीं है, तुम कह रहे भोगों में सुख है। वे कह रहे हैं कि आत्मा में सुख, तुम कह रहे आत्मा में सुख नहीं है। समझ में आता? विरोध चल रहा है, विरोध। देखो, विरोध की बात आ गई तो एक प्रसंग याद आ गया। आदिनाथ भगवान के कुल में जन्मे मारीची कुमार, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पूर्वभव का जीव, बोलो उसने भगवान की विराधना करी तो क्या हुआ? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा वो जीव। ऐसे सोचो, हमें खूब सोचना चाहिए, कहीं हम भगवान का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम जिनागम का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम श्री गुरुओं का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। यदि हम श्री गुरुओं का विरोध कर रहे हैं, भगवंतों का विरोध कर रहे हैं, जिनागम का विरोध कर रहे हैं, तो हम मारीची की लाइन में लग रहे हैं। अब जिनागम का विरोध क्या कहलाता है? हम सामने से नहीं करते, लेकिन जिनवाणी कहती है कि होता स्वयं जगत परिणाम, और हम कहते नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा काम? जिनवाणी कहती निमित्तकर्ता होता है, और हम कहते नहीं नहीं इनने किया है जी, आप लोग समझते नहीं हो। जिनवाणी कहती है तुम खा नहीं सकते, और हम कहते हम खा ही रहे हैं, क्या तुम कहाँ की बकवास कर रहे हो, हम तो खा ही रहे हैं। जिनागम कहता है क्रमबद्ध परिणमन है, तुम कहते नहीं नहीं मैंने किया है। अब 24 घंटे किसका विरोध चल रहा है? सामने से नहीं कह रहे तो क्या विरोध नहीं चल रहा? मैं तो सच कहूँ कि एक माता पिता हों, कोई उनका बच्चा किसी
पर स्त्री के किसी लड़की के मोह पास में फंस गया हो और वह किसी कुलीन अच्छे घर की बच्ची ना हो, किसी विपरीत घर की बच्ची हो। अब माता पिता चाहते हैं कि इसके चित्त से वो निकल जाए और ये मनी मन सोचता रहता कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। तो बताओ माता पिता का विरोध चल रहा कि नहीं। ऐसे ही जिनवाणी कह रही है स्वभाव में सुख है और तुम स्वभाव को छोड़कर कहीं और मुंह मार रहे हो, कहीं और बुद्धि लगा रहे हो। तो जिनवाणी कहती है कि तुम घोर संसारी हो, तुम विरोध कर रहे हो जिनागम का। इसलिए पता है जिनागम सिर माथे, जिनाज्ञा सिर माथे। आपको नई भी समझ में आ रही तो उसका विरोध नहीं करो, आप उसके लिए हाँ पाड़ो। हमें समझ में नहीं आ रही पर बात तो ऐसी ही है, हम आज नहीं तो कल समझेंगे, पर बात तो ऐसी है। कौन ने देखे आलू में जीभ, कौन ने देखा नरक, कौन ने देखा स्वर्ग, तो ऐसा विरोध क्यों करते हो भाई। तो यहाँ परमार्थ से कहें तो अपने स्वरूप से विरोध, और व्यवहार से कहें तो जिन शासन से विरोध। तो कोई जीव विरोधी ना रहो, और एक और तीसरा एंगल सोचो तो कोई जीव का विरोधी ना रहो। सब के प्रति आपस में वात्सल्य हो जाए, सबके प्रति भगवान की दृष्टि प्रकट जाए। कोई जीव विपरीत दृष्टिवंत ना रहो, अब विपरीत दृष्टि वाला कोई ना रहे, सबकी सम्यक दृष्टि हो जाए। सबकी सम्यक दृष्टि हो जाए मतलब सब अपने को भगवान देखने लगे। सबकी सम्यक दृष्टि हो जाए मतलब कोई किसी को पर्याय से न देखे। सबकी सम्यक दृष्टि हो जाए मतलब सब निमित्त को अकर्ता देखें, सब जीव को ज्ञाता देखें, सब होता स्वयं जगत परिणाम देखें। क्योंकि दृष्टि सम्यक हुई तो सात तत्व के संबंध में जो जैसा जहाँ कुछ है वैसा दिखाई देने लगता है, तब तो अनंत सुख प्रकट होता है। आश्रव दुखकार घनेरे तो दुख लगने लगता है, संबर सुखकार घनेरे तो सुख लगने लगता है। स्वभाव के आश्रय से प्रभुता प्रकटती है तो स्वभाव देखने लगता है। अजीब के आश्रय से प्रभुता मिटती है, दीनता प्रकट होती है, तो अजीब का आश्रय टूट जाता है। ऐसे सात के सात स्पष्ट देखने लगते हैं तो वो जीव अपने आप ही सुखी हो जाता है। जो व्यक्ति रोड पर विपरीत डायरेक्शन में चलेगा वो कितनों से नहीं भिड़ेगा। ऐसे जो जीव दिन भर विपरीत ही सोचता रहेगा उसे कितने प्रसंगों पे भिड़ंत नहीं करनी पड़ेगी, संकलेशता नहीं करनी पड़ेगी, दुख नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जगत का प्रत्येक जीव विपरीत दृष्टिवंत ना रहे, सम्यक दृष्टि हो जाए। सर्वजीव सत्य के मार्ग में आ जाओ और सुखी हो। अब पता ही नहीं चल रहा हम असत्य के मार्ग में कि सत्य के मार्ग में। एक एक्टर किसी साइन बोर्ड पर ऊपर टंगा है और शराब का ऐड कर रहा है और हाँ कितना अच्छा लग रहा है, पेप्सी का ऐड कर रहा है कितना अच्छा लग रहा है। अब वो विपरीत मार्ग में ले जा रहा है कि सम्यक मार्ग में ले जा रहा है। बेटा धंधा करो वही काम आता है, बेटा चार पैसे पैदा कर लो वही काम आते हैं। अब जो विपरीत मार्ग है कि सम्यक मार्ग है, और जो विपरीत मार्ग है सम्यक मार्ग है, तो जो विपरीत मार्ग है सम्यक मार्ग है, जो विपरीत मार्ग है वो छूटे और जो सम्यक मार्ग है वो प्रकट हो। अब सम्यक मार्ग क्या है कि जिनवाणी से आपको सीखना पड़ेगा वो मार्ग कि स्वभाव में सुख है, विभाव में दुख है। शुद्धात्मा के श्रद्धान में सुख है, अपने को अनन्य रूप श्रद्धा अनुरूप मानने में दुख है। सम्यक ज्ञान सुख रूप है, मिथ्या ज्ञान दुख रूप है। सम्यक आचरण सुख रूप है, मिथ्या आचरण दुख रूप है। देवसाज गुरु सुख में सच्चे निमित्त हैं, विषय कसाय दुख में सच्चे निमित्त हैं। आपको जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा पता करना पड़ेगा जिनवाणी से, और फिर उसके अनुसार जीवन पद्धति आपकी आगे बढ़ेगी तो सच्चा मार्ग मिलेगा। अमृत चंद्राचार्य ने चौथी गाथा में परस्पर आचार्यत्व की चर्चा की है कि ये जीव काम भोग बंधन कथा से परिचित है, उसी की कथा इसने सुनी है, उसी का उसने परिचय लिया है, उसी का इसने अनुभव किया है। और बाद में लिखा कि और जगत ने भी सब परस्पर में आचार्यत्व कर रहे, यही कथा सुना रहे। तो विपरीत मार्ग की कथा सुनाने वाले ढेर सारे लोग मिलेंगे, सही बात बताने वाला एक नहीं मिलेगा। और बिन सिखाए नर सीख रहे हैं भोगन की चतुराई, कि कोई किसी को सिखाए नहीं तो भी सीख रहे जीव,
क्योंकि अनादिकाल से क्या करके आया है, यही करके आया है। इसलिए कह रहे हैं कि भैया कोई जीव, सब जीव सत्य के मार्ग में आ जाओ, सुखी हो जाओ। और सत्य का अर्थ होता है सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय, उसको सत्य कहते हैं। तो वह मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे सत्स्वभाव के आश्रय से सम्यक्त्वादी सत्य पर्याय प्रकट करने में निमित्त भूत हो, वो मार्ग। मार्ग कहते हैं उपाय को, मार्ग कहते हैं कारण को। तो वह मार्ग, वह उपाय, वह कारण तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें सत्यता प्रकट करा दे, मुक्ति प्रकट करा दे। तो सत्य मार्ग में आओ और सुखी हो जाओ। अब असत्य के साथ कितने दिन जीव सुखी रहेगा? अभी लोग रामायण देख रहे होंगे, रावण इतना पावरफुल था लेकिन असत्य के साथ था, अधर्म के साथ था, तो देखो मृत्यु की तैयारी होने लगी। रामचंद्र जी उनके सामने भूमि गोचरी थे लेकिन सत्य के साथ थे, स्वस्त्री की से रक्षार्थ गए थे, अधर्म के खिलाफ तैयारी करके गए थे, तो देखो विजयश्री हाथ आने वाली है। और भूतकाल से कहें तो विजयश्री प्राप्ति की उनने। तो जो जीव सत्य मार्ग में चलेगा उसकी विजय होगी, वो सुखी होगा, और जो जीव असत्य मार्ग में चलेगा वो दुखी होगा। अब इससे हमें एक बात और सीखनी चाहिए कि जो व्यक्ति दुखी है उसे समझ जाना चाहिए हम असत्य मार्ग में, हम सत्य मार्ग में नहीं है। और देखो बहुत प्रैक्टिकल है इसके अंदर में, हम तो चूंकि बोल है तो ऐसा लगता पूरा हो जाए इसलिए थोड़े फास्ट में है, वरना प्रैक्टिकल इतना है कि आप क्षण क्षण में देखो आपको जैसी आकुलता प्रकट हुई आप समझ जाना आप सत्य मार्ग से च्युत हो गए। किसी भी चीज़ में देख लेना, जैसे भोजन बनते बनते खराब हो जाए, भोजन जल जाए, अब आप छोप कर रहे हो तो तुम छोप क्यों कर रहे हो, तुम सत्य मार्ग से दूर हो गए हो। आज इस पुद्गल द्रव्य का ऐसा ही परिणमन होना था, इसका ऐसे ही परिणमन होना था। तुम किसी को बहुत समझा रहे हो वो नहीं समझ रहा है, फिर खेत खिन्नता नहीं करो, इस जीव का ऐसे ही भवितव्य था। पैसा मिलना नहीं मिलना था, नहीं मिल रहा, इस पुद्गल द्रव्य का ऐसा ही परिणमन होना था। इस द्रव्य को इस तरह से ऐसे ही परिणमना था। देखा मेरी चतुराई से धन आ गया कि तेरी चतुराई से नहीं आया भैया, इस पुद्गल को इस तरह से इन दिनों में ऐसे ही आना था। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसा विचित्र पाप का उदय है सारी धरती का, वर्तमान में जिसे पृथ्वी कहते हैं, कि देवालय बंद हो गए। देवालय से तो पाप दूर होते थे, ऐसा पाप का उदय है कि देवालय बंद हो गए। सारे जिन मंदिर हो गए कि मस्जिद हो गए कि गुरुद्वारा हो, सब आस्था के केंद्र बंद, सारे लोग घरों के अंदर। और एक छोटा सा जीवाणु आया और ललकार ललकार के सारी मनुष्य जाति को चैलेंज दे रहा है कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें रोक के बताओ। अब कौन सी विराधना हुई होगी, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों बीते जा रहे हैं और भगवान भी नहीं मिल रहे हैं। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। हम डिप्रेस या दुखी होने के लिए नहीं कह रहे, हम तो चिंतन और विचार के लिए कह रहे कि हमें सोचना चाहिए कैसी किसी विराधना करके आए ये जीव। साक्षात हमें हमारे मंदिरों में ही स्थान नहीं मिल रहा, और पाप को दे इतना तेजी कि भगवान ने अपने चरणों की जगह देनी बंद कर दी कि निकल जाओ यहाँ से, अभी तुम्हें हम यहाँ भी नहीं आने देंगे, और जोर जबरदस्ती करोगे हमारे पास बैठने की तुम डंडे मारेंगे, तुम्हें मतलब प्रशासन डंडे मारेगा, कैसी तुमने विराधना करी, प्रतिज्ञा लो कि अब हम जैन शासन के प्रतिकूल सोचेंगे ही नहीं, जिन मंदिर को अवॉइड नहीं करेंगे, छोटे छोटे कामों के लिए उसको पीछे नहीं करेंगे, सबसे पहले जिनालय जाएंगे, दोनों टाइम जाएंगे, जब जहां अवसर मिले तब वहां जाएंगे, इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। तो क्या कहते कि सत्य के मार्ग में आ जाओ और सुखी हो। असत्य दुख का कारण है, सत्य सुख का कारण है। किसी जीव में विषमता ना रहो। अब विषमता किसे कहते, किसे कहते विषमता, विषम हो जाता ना जीव, सम और विषम, समान और विपरीत, विपरीत हो गया, विषम हो गया जीव, असहज कह लो, और तो विपरीत हो गया, विषम हो गया, समान नहीं रहा,
समता रूप नहीं रहा, विषमता रूप हो गया वो। तो कोई जीव विषम ना रहे, सब समता रूप से रहें, सब समान रूप से रहें, सब सबको समान देखें, सब सहज रहें, निराकुल रहें। तो कोई जीव विषम ना हो, विषमता ना रहो, सर्व जीव पूर्णानंद रूप प्रभु हो जाओ। अब पहले कहा था सब जीव पूर्णानंद को प्राप्त हो, अब कह रहे पूर्णानंद रूप प्रभु हो जाओ। प्रभु कहते ही से हैं जो पूर्णानंद रूप रहे, पूर्णानंद कहते ही उसे हैं जो प्रभु हो जाए। तो तुम चाहे प्रभु कह लो और चाहे पूर्णानंद कह लो, अब सबके प्रति कैसी भावना है, सब भगवान बन जाओ। कोई जीव संसार में न रोले। अभी देखो ये क्राइसिस देख देख के ऐसा विचार आता है 20,000 वहाँ खत्म हो गए, 1,00,000 से ज़्यादा आदमी खत्म हो गए। ये प्रभु बेशकीमती मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई थी और तुम परिपूर्ण दशा प्राप्त करे बिना ही चले गए। अब परिपूर्ण दशा प्राप्त करे बिना चले गए तुम, तो बताओ तुम्हें अब क्या दशा हो जाएगी, कहाँ भटक रहे होगे, कौन से नरकों के कष्ट पा रहे होगे। अभी कुछ दिन पहले वो एक वीडियो आया था ना कि वो बहुत बड़ा आदमी इटली का अपने होटल के 20वें 25वें माले से कूद गया कि मेरा परिवार ही जब ख़त्म हो गया तो मैं किसके लिए जीऊँ। अब सोचो उसने आत्मघात किया होगा, संकलेश परिणाम अलग चल रहे होंगे, आर्थ परिणाम अलग चल रहे होंगे, कहाँ पहुँच गया होगा, 2 मिनट में कहाँ पहुँच गया होगा वो। अभी मैंने कल चर्चा में आया था शायद ही बिंदु एक कि श्रेणिक राजा की कथा पढ़ रहे थे ना, तो श्रेणिक राजा की कथा में नहीं आया था कि कुणिक को आखिरी में समझ में आ गया माने का, वो तेरे पिता तुझे बहुत प्रेम करते हैं बेटा, तो वो आंसू बहाता हुआ उनको लेने के लिए गया और पिता को फिर ऐसा संदेशा हुआ कि दुष्ट आ गया मेरे साथ फिर कुछ गलत करेगा। तो ऐसा आता है कि वो एकदम से दौड़े, तो अपन ने जो कथाएँ पढ़ा था उसमें आया कि एकदम से तलवार के ऊपर उनका पैर लगा और देहांत हो गया। कहीं आता है कि एकदम से दौड़े तो दीवार में उनका सिर लगा और देहांत हो गया। अपन उसको आत्मघात नाम क्यों दें, ये अपन चलो उसको उन्हें वो डर के मारे दौड़े भी आत्मघात भी कहें, तो वो डर के मारे दौड़े कि भैया इससे बचने के लिए, तो इसके उससे बचने के लिए वो दौड़े। अपन आत्मघात भी कहें तो चलो उन्हें अपने बचने के लिए रास्ता दूसरा ढूंढा तो बच गए ना, वह नरक में जाके दूसरा चक्कर चालू हो गया। अभी कुणिक के सामने कितना कष्ट था, नरक से तो कम ही था ना, नरक में चालू हो गया। ऐसे ये जीव तू विपरीत मार्ग ना अपना, आत्मघात की कभी मत सोचना, ये कोई रास्ता नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, कभी कभी रात गहरा जाती है तो ऐसा लगता सुबह होगी भी कि नहीं, लेकिन फिर भी सुबह होती है। सर्दी के दिनों में 5 बजे से रात होने लगती है और 7 बजे तक रात रहती है, तो कोई कोई बच्चा कहता मम्मी आज दिन निकलेगा कि नहीं, तो बेटा दिन कैसे नहीं निकलेगा। ऐसे यदि ये उदय थोड़ा गहरा गया है ज़्यादा, तो एकदम से डिप्रेस होके अपन को खुद अपने आप को लॉकडाउन नहीं कर लेना चाहिए। अरे उदय जाएगा, कितने दिन ठहरेगा, सारे जीवों का उदय है तो सारे जीवों का पुण्य का उदय भी आएगा, चला जाएगा। लेकिन तुमने यदि मिथ्या प्रयास किए तो हमें नहीं पता कि तुम्हें कौन सुखी करेगा। इसलिए भैया सारे जीव पूर्णानंद रूप प्रभु हो जाओ, सब भगवान बन जाओ, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बेरे पापे अभिमानी त्याग कर नित नए मंगल गावे। परिणाम का तो फल है, ये भावनाएं भी नहीं भाता जीव कि सब जीव सुखी रहें तो उदय आ जाते हैं। तो सर्व जीव पूर्णानंद रूप प्रभु हो जाओ। अब जब सभी जीव भगवान बन जाएंगे तो कौन दुखी रहेगा, कौन संसार में रहेगा। याद किया गुरुदेव ने समय सार गाथा 38 के पहले कलश है, 34 नंबर है कलश शायद, तो वो कलश है उसमें मज्जन्तु निर्जर ममी संवैक लोका, हे जगत के जीवों ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में निमग्न हो जाओ, ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने पूर्व रंग अधिकार का सबसे अंतिम कलश है सबको आह्वान किया कि हे जगत के जीवों आओ पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा में निमग्न हो जाओ। उसमें लिखा है
कैसे निमग्न हो जाएंगे, डूब जाओ, डूब। एक भी जीव ऐसा ना रहे, ऐसे डूब जाओ बिल्कुल कि चेहरा भी तुम्हारा एकदम शीतल शीतल शीतल, बिल्कुल शीतलता आ जाए तुम्हारे अंदर, डूब जाओ उसमें, निमग्न हो जाओ। निमग्न होने का अर्थ होता है सम्यक चारित्र, इतने डूब जाओ कि मुक्ति आ जाए। अकेले समुद्र देखने नहीं कहा, समुद्र की प्रतीति करने नहीं कहा, निमग्न होने का, डूब जाओ उसमें। तो 38 के कलश में अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि सर्व जीव आत्मा में मग्न हो। अपन लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि गुरुदेव क्या हो जाता है, आत्मा आत्मा में मग्न होने क्यों कहते हैं, तो क्या करें, तुम सिर्फ तुम्हें प्यास लगी सो हम पानी पानी पीने कहें कि पेट्रोल पीने कह दें कि कैरोसिन पीने कह दें, तो ये भूख लगी सो हम रोटी और नाश्ता भोजन पानी दें कि भूख लगी सो एक आध दिन पत्थर भी दे दें। कि भैया जिसमें जिस चीज़ का गुण होता है उसी की प्रेरणा की जाती है, प्यास पानी से बुझती तो पानी पिलाया जाता है। अब जिस चीज़ से प्यास ही नहीं बुझेगी उस चीज़ से उस चीज़ की प्रेरणा कैसे की जाएगी। इसलिए सुखी जीव स्वभाव के आश्रय से ही हो सकता है, इसलिए कहते हैं आत्मा में मग्न हो जाओ। अब ये आत्मा में मग्न होना क्या कहलाता है, आत्मा में मग्न होना क्या कहलाता है, आदमी कभी ऐसे मगन सा हो जाता ना, मीरा मीरा मगन हुई, वो तो हरी 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 गाने लगी, ऐसी पंक्ति आती ना अपन अपने तरफ से, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तो ऐसा तुमसे लागी लगन, तो लगन लग गई भगवान से तो कौन देखता है, मगन हो गई तो वो परिणति जो मगन हो गई वो कितने मगन है। म्यूट कर लीजिए फोन, क्या बोल रहे कि वो मगन हो रही है उसमें, मीरा मगन है। अब मीरा से पूछो व्हाट इज योर नेम, श्री कृष्ण, तुम क्या खाते हो, श्री कृष्ण, मयंक जी मोबाइल म्यूट करिए, क्या बोल रहे कि वो मगन है उसमें, मीरा किस में मगन है, अपने कृष्ण में मगन है। ऐसी कह रहे तुम तो निमग्न हो जाओ, किस में निमग्न हो जाएं, एक शुद्ध आत्मा में, कुछ याद ही ना आए, कोई चीज की याद ना आए। भैया तुम्हें कोरोना रोग हो गया तो अरे मुझे छू नहीं सकता, तो अभी तुमने हमारे सामने कह दिया सुन के, अब तुम जिस स्वरूप में मग्न हो तो जब भी ये प्रश्न है जब भी ये बात आए मर ही नहीं सकता, कितना पक्का हो गया। जैसे मीरा को कृष्ण की याद आती है तो कोई दूसरे की याद नहीं आती, ऐसे ही जीव को गायक की याद आती है तो किसी दूसरे की याद नहीं आती। कहीं तुम बीमार पड़ गए तो कि बीमारी छू सकती नहीं मुझे, कहीं देह छूट गई तो कि छोटी छोटाई पड़ी है। तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक भी द्रव गुण पर्याय कम नहीं होगा। अगु लगत तो नाम का गुण है, मग्न है वो तो मजे कर रहा है। सच बात तो है बेमतलब का कष्ट भोग रहा है ये जी। यदि पाप को दय नहीं होगा तो कोरोना पास में आएगा नहीं, और आ भी जाए तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं लेगा, क्योंकि मैं तो परमात्म तत्व अजर अमर तत्व हूँ। तो बैठे बैठे सोचो मिथ्या विकल्प में कितना दुख चल रहा है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, अब जीव और न फैल जाए, अब जीव और न हो जाए, अब जीव न हो जाए, कि मिथ्या दुर्विकल्प में क्यों परेशान हो रहे हो, तुम स्वरूप में मग्न रहो। देखो अपने पे तो ये उपसर्ग आए भी नहीं है, आने की आशंका से व्याकुल हैं, लेकिन धन्य वे दिगंबर मुनिराज जिनके ऊपर ये उपसर्ग आ जाते हैं उस काल में वे किसको याद करते हैं कि ज्ञान स्वरूप भगवान अपना में निमग्न हो जाते हैं। सिर पर सिगड़ी जलती है तो अंदर चैतन्य की शीतलता का रसास्वादन करते हैं और तत्काल ही केवल ज्ञान ले लेते हैं। इसलिए हम सबको भी आश्रयभूत एक ज्ञायक भाव है, उसी में निमग्न होने जैसा है। अभी कोई व्यक्ति को रुचि नहीं हो तत्व की तो वो दिन भर बैठ के किस में निमग्न हो रहा है कि बोले उसमें निमग्न हो रहा हूँ मैं, तो किस में, टीवी में निमग्न हो रहा हूँ मैं, तो कि जहाँ टीवी में लगा हुआ हूँ मैं, तो तुम दिन भर किस में मग्न हो, टीवी में मग्न है, कोई दिन भर खाने में मग्न है, कोई दिन भर खेल खिलौने में मग्न है, कोई दिन भर भोगों में मग्न है, ज्ञानी दिन भर किस में मग्न है, स्वरूप में मग्न है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य आह्वान कर रहे हैं कि हे जगत के जीवों आओ,
ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा निमग्न हो जाओ। यहाँ तो गुरुदेव ने ज्ञान समुद्र याद नहीं किया, वरना ज्ञान समुद्र याद करो तो ऐसा समुद्र जिसका कभी अंत ही नहीं होता, अंतहीन समुद्र है। कौन ज्ञान, एक बार जावे डुबकी लगाए तो और छोर नहीं मिले, मस्त रहे, मग्न रहे। ऐसे हमें अपना घोरा बहाना चाहिए, सर्व जीव आत्मा मग्न हो, कोई भी जीव आत्मा को छोड़ के कहीं मत जाओ। इससे एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई जीव को आत्मा के अलावा कोई दूसरा एड्रेस बताना भी नहीं चाहिए। इसको कहते जिन वचन, कि उसको कोई दूसरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। जगत के जितने जीव हैं उनको आप एक ही बात बताओ। कौन सी बात बताए उनको, कि तुम स्वरूप में जाओ भैया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो अपन कैसा लगता होगा, तो अपन ये उपाय क्यों बताएं, कि चलो आप मंदिर, हम आपको बताते जिनालय में जिन वेदियों पर जितने भगवान विराजमान हैं वे सब बताओ कौन सी चीज़ की प्रेरणा कर रहे हैं। वे कोई एक भी कोई दूसरी प्रेरणा कर रहे हैं क्या, कि तुम ये करने लगो, कि तुम वो करने लगो, कि तुम ऐसा करो, थोड़ा पहले भोजन कर आओ बाद में पूजा करना। वे कह रहे ना पूजा करने कह रहे ना भोजन करने कह रहे, वे कह रहे कि निमग्न हो जाओ, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है सुखी होने का। सर्व जीव आत्मा मग्न हो, आहा हा, देखो ज्ञानी की भावना, ज्ञानी की भावना, अभी बात आई थी ज्ञानी की भावना और अज्ञानी की भावना। जैसे कोई व्यक्ति विवाह के लिए उद्यमवंत हुआ और इतने में उनके गुरुजी के पास आखिरी आशीर्वाद लेने गया, और आखिरी आशीर्वाद लेने गया और गुरुजी मेरा विवाह हो रहा, तो नहीं कि तुम कहाँ फंस रहे हो, उल्टा जीवन खराब नहीं करोगे। अच्छा, इतने पिताजी पीछे से आ गए, चलो अब बताओ दोनों के मन में क्या भावना चल रही, गुरुजी के पिताजी के मन में क्या भावना चल रही। गुरुजी के मन में भावना चल रही कि ये निपट जाए यहाँ से, चल बेटा चलो चलो भगवान बनो, और पिताजी के चलो 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 शादी करो शादी करो। अब देखो दोनों की भावना चल रही ना, ऐसे ही जिसको जिसमें सुख दिखता है उसको उसकी भावना चलती है दूसरों के लिए भी। इसलिए ज्ञानी को क्या भावना चल रही है, सब निर्भय रहे, सब सुखी रहे, कोई दुखी ना हो, सब भगवान बन जाए। और अज्ञानी की, सबकी दुकान खुल जाए, सबके मकान बन जाए, भैया कोरोना चला जाए, सब आराम से फिर से पाप करने लगे, कोरोना चला जाए भैया, फिर मांस खाने वाले मांस खाने लगे, शराब पीने वाले शराब पीने लगे, अनंत हिंसा चालू हो जाए, फिर जो क्रंदन हो रहा पशुओं के प्रति फिर प्रारंभ हो जाए, कोरोना चला जाए, प्रकृति कह रही तुम अन्याय और अनीति कर रहे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसे चले जाएंगे क्या भैया, सब सब पहले जैसे हो जाए, सब भोगों में लग जाए, अरे सबकी मति व्यवस्थित हो जाए, सबका मांस छूट जाए, सबके दिमाग ठिकाने पे आ जाए और सब मोक्ष मार्ग में लग जाए। अपन तो ऐसी भावना भाव, कितने दिन हो गए भैया काम ही नहीं हो रहा, अरे इस समय कुछ ज़्यादा काम हो रहा, जो काम अन्य दिनों में नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम हो रहा, ज़्यादा स्वाध्याय हो रही, ज़्यादा आराधना हो रही, ज़्यादा मस्ती हो रही, स्वरूप के आनंद में निमग्न है, निश्चिंत बैठे हैं, बल्कि लौकिक पाप कम हो गए हैं। तो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं कि लौकिक पाप कम हो गए। देखो क्या कहते हैं, कि देखो ज्ञानी की भावना, स्वयं पूर्णानंद स्वरूप आत्मा मग्न होते हैं। देखो एक विचार आना अलग बात है और भावना होना अलग बात है। भावना 10-5 मिनट के लिए नहीं होती, भावना चलती है, विचार तो आके चला जाता है। अंदर की भावना अंदर से होती है, भैया मेरी ये भावना है, हे यही भावना हे भगवन, तुम सम ही अंतर दृष्टि हो। अब ये भावना है हमारी, कि तुम्हारी हमारे हमारी आपके समान अंतरदृष्टि, और हमारी नहीं सबकी अंतरदृष्टि हो जाए, सब जी भगवान बन जाए, सब सुखी हो जाए। देखो ज्ञानी की भावना, लेकिन ये भी कितनी सुंदर और सुखद बात है कि ऐसी भावना के लिए तुम्हें पहले ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञानी रहोगे तो अज्ञानी को कौन सी भावना होगी। जैसे बच्चा हो कि बेटा सबको लॉलीपॉप दे दे, कि हाँ पापा सबको लॉलीपॉप दे दो, अब ऐसी भावना किसको हो रही है,
ऐसी भावना किसको हो रही? ऐसी भावना बच्चे की हो रही जिसको लॉलीपॉप में सुख देख रहा, लेकिन पापा मम्मी को क्या लग रही कैसा पगला है लॉलीपॉप के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे ही तुम्हें मम्मी पापा बनना पड़ेगा, लॉलीपॉप की भावना छोड़नी है तो। ऐसे अज्ञानी जीव को भोगों की, कसायों की, पापों की, धंधे की, व्यापार की भावना है तो सब भैया व्यापार चालू करो, कितने वर्ष का हो गया आपका बालक, विवाह कराओ, अच्छे बढ़िया डट कर धंधा करो बेटा, दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। अच्छा, जैसे पैसा कमाने का सब लोग सबको पूछने लगते हो, और ज्ञानियों कैसी भावना हो रही है? सब पूर्णानंद को प्राप्त हो। देखो ज्ञानी की भावना, तो क्या बात आई थी कि भावना, ज्ञानी की भावना लाने के लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? ज्ञानी बनना पड़ेगा। अज्ञानी को ऐसी भावना नहीं आती। एक कुंवारे व्यक्ति को शादीशुदा की भावना ला सकते हो, एक शादीशुदा वाले को कुंवारे की भावना ला सकते हो, नहीं होती। अपन कई बार देखते हैं बच्चे होते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो भैया आप लोग इनको ऐसे कर दो ना, तो कहते पंडित जी आपको नहीं पता, आप बाबा जी हो, ऐसे नहीं मानती। फोन कर दो पत्नी को, वो बोल दो कि हम अब नहीं आ पा रहे, कि दादा ऐसे नहीं मानती भी, कि तुम्हें ऐसे कहने से भी नहीं आ रहे, मान जाए। बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ज्ञानी की भावना ज्ञानी जाने, अज्ञानी की भावना अज्ञानी जाने। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अज्ञानी को ज्ञानी जैसी भावना नहीं हो, ज्ञानी को अज्ञानी जैसी भावना नहीं, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी के संबंध में अपनी भावना सोचता है। महाराज जी जंगल में कैसे रहते होंगे, बिना भोजन के कैसे रहते होंगे? और ज्ञानी सोच रहे बिना गए कि जी कैसे रहता होगा, बिना स्व संवेदन के उसको कैसे आनंद आता होगा, परिग्रह के बीच में कैसे सुखी रहता होगा। वे कह रहे परिग्रह के बिना जी कैसे सुखी रहता होगा, और वे कह रहे परिग्रह के साथ जी कैसे सुखी रहता होगा। दोनों की भावना में कितना अंतर, दोनों के विचारों में कितना अंतर। इसलिए ज्ञानी जैसी भावना करने के लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी की भावना स्वयं पूर्णानंद स्वरूप आत्माएं मग्न होते हैं। अब ज्ञानी स्वयं मग्न होते हैं और सबको मग्न होने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हे जीवों, तुम्हें तुम्हारे शुद्धात्मा के अलावा कोई शरण नहीं है। असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, भी नहीं लगाया, कितने दिन बचोगे? आज एक कोरोना पेशेंट कल जबलपुर में मतलब पकड़ में आया। अब वो बुजुर्ग हैं 75 वर्ष के, और ये कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि कोई हिस्ट्री नहीं है, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, कि कोई अभी महीने 15 दिन में कहीं गए हों कि आए हों। तो मैं जनवरी में गए थे नागपुर वगैरह, उसके बाद से यहीं पर हैं, 2-2.5 महीने हो गए, अच्छे बढ़िया थे। तो पूछा तो आप कहीं गए थे कि नहीं, कहीं नहीं गए थे, थोड़ा स्वास्थ्य जरूर बिगड़ा था 1-2-4 दिन पहले, तो डॉक्टर विक्टोरिया के हॉस्पिटल वहाँ दिखाने आए थे बस, और 23 तारीख को बाजार गए थे बस। अब बताओ कहाँ से आ गया कोरोना, बाजार गए थे बस। इसलिए इस बेबस मनुष्य जाति के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं। और मोक्ष मारियों के पास आकर देखो, वे बेबस नहीं है, वे अपने कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और दूसरा हेतु दें तो बिना पाप को दे के जी आ नहीं सकता, लेकिन बेचारे उनके पास तो इतनी सोचने का भी अवकाश नहीं है कि ये पुण्य पाप से होने वाले रोग निरोगता पुण्य पाप का खेल है, बस भयाक्रांत भयाक्रांत भयाक्रांत। तो यहाँ पे ज्ञानी प्रसन्न है कि जब तक पाप को दे नहीं आएगा कोई मेरे घर नहीं आएगा, तो जब तक पुण्य को दे नहीं आएगा तब तक रोग नहीं जाएगा, और जब तक मेरे ज्ञान का उदय है मेरी सृष्टि में मेरी सीमा के अंदर कोई रोग नहीं आने वाला, अभी तो मस्त बैठे हैं। स्वयं पूर्णानंद स्वरूप आत्माएं मग्न होते हैं, इसलिए समस्त जीव भी पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, ऐसा कहते हैं। अब कह रहे हैं कि खुद चेदानंद का रस पी रहे हैं, तो सबको इसी की भावना भा रहे हैं कि भैया आप सब लोग सुखी हो, आप लोग सब लोग दुखी क्यों? तो दुनिया में ऐसा नहीं होता क्या कि
कोई भोजन कर, दो भिखारी बैठे हैं और एक भिखारी भोजन करने लगा, दूसरा यूं देख रहा, तो बोले भैया तुम क्यों नहीं भोजन कर रहे हो? तो केले भोजन कहाँ है हमारे पास कि वो बट रहा है, ले आ जल्दी, वो बांट रहे हैं कोरोना रिलीफ फंड वाले, जल्दी ले आओ आप, तो ज़्यादा भूख लगी हो तो दो डिब्बे बांट रहे, दो ले आओ। तो उसको इतनी देर में अखरता है कि हम इतनी देर से खाली बैठ रहे हैं, हम पहले ले आते तो। ऐसे ही श्री गुरु चेतानंद का रस पी रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हे जगत जनो, आप भी गया का रस पियो, यही पीने लायक है और कहीं कुछ नहीं है। एक तो क्या है, हमें समझ में नहीं आता, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में सुख नाम का गुण है, तो आत्मा के सुख गुण की पर्याय का नाम है सुख, आनंद, निराकुलता। ये बात पता नहीं होती तो हम न जाने कहाँ कहाँ सुख खोजते हैं, जो कि पर द्रव्य, पुद्गल द्रव्य कहो, अजीव तत्व कहो, उसके द्रव्य गुण पर्याय में कहीं सुख नाम का गुण नहीं है, सुख नाम की पर्याय नहीं है। पर जिसको ये बात समझ में नहीं आती, उसकी 24 घंटे उठापटक कहाँ होती है, 24 घंटे दिमाग वहीं लगता है। जब मैं सुबह चर्चा में एक बिंदु लिया था कि भैया हमें कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, हम आकुलित हो रहे, और केवल ज्ञानी भगवान ने देखा है कि दो दिन बाद तुम कोरोना होगा और चार दिन बाद तुम्हारी देह छूट जाएगी और तुम यहाँ से जाओगे, और यहाँ से जाकर तुम अभी विदेह क्षेत्र में स्वर्ग में पहुँचोगे और वहाँ विदेह में जाकर सिमंदर नाथ के दर्शन करके तुम्हें परसों सम्यक दर्शन होने वाला है, तुम्हारे घर में सम्यक दर्शन आने वाला है परसों। अब बताओ अच्छा हो रहा कि बुरा? आनंद भाव का क्लेश मिटने वाला है अब, लेकिन जीव की बुद्धि नहीं चलती, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, हे भगवान हमें रोग ना लग जाए, तो तुम यहीं रहना चाहते हो क्या, संसार में यहीं दुखी रहना चाहते हो क्या, कुछ पूछ रहे हो क्या, क्या कह रहे? तो तुम इस तरह से ही दुखी रहना चाहते हो क्या संसार में? तुम्हें अभी आगे की पिक्चर नहीं देख रही है तो तुम कल्पना कर करके क्यों दुखी हो रहे? अब वो जीव कल्पना कर करके दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। इसलिए कितने रिलैक्स रहना चाहिए, एक ही घर है बस, जैसे शहर में अपना एक ही घर है, यदि आप लॉकडाउन पे अपना घर छोड़कर गए तो डंडे घलने वाले हैं, ऐसे ही इस विश्व में सुखी होने के लिए एक ही स्थान है, शुद्धात्मा। ये तुमने शुद्धात्मा को छोड़कर कहीं भी बुद्धि लगाई, कहीं भी दिमाग लगाया, कहीं भी तुमने अपना फोकस किया तो कष्ट मिलने वाले हैं। और इसकी कहानी 84 लाख योनियाँ हैं, ऐसे नहीं खड़े हो गए पंच परावर्तन, ऑन डिमांड खड़े हुए हैं। आपने जहाँ जहाँ सुख की भावना करी वहाँ वहाँ ये जीव जन्म मरण करके दुखी हुआ, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ से कभी नहीं मिलेगी, जो चीज़ जहाँ है वहाँ से ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन तुम उसकी तरफ पीट कर लो तो, नहीं पता हो तो। अब दो बरनी में एक में शक्कर रखी, एक में नमक, अब तुम नमक उठाकर डालो तो दूध मीठा नहीं होगा, वो शक्कर सामने रखी और उसको शक्कर नहीं जानो तो भी दूध मीठा नहीं होगा। ये तो मैं तो शक्कर को शक्कर जानना पड़ेगा और उठा के उसे डालना पड़ेगा, तब तुम सुखी होगे। इसलिए क्या कह रहे हैं भैया, इसलिए समस्त जीव भी पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, ऐसा कहते हैं। देखो एक और इतना सुंदर शब्द है, पूर्णानंद स्वरूप। आत्मा अधूरा नहीं है, आत्मा का स्वभाव अधूरा नहीं है, आत्मा के गुण अधूरे नहीं है, आत्मा में अधूरा सुख नहीं है, अधूरा ज्ञान नहीं है, परिपूर्ण है वो। तुम जितना जितना आश्रय लोगे उतने उतने सुखी हो जाओगे। ये बात क्यों कह रहे, अधूरी चीज में काम दिखता है, शुद्धात्मा में काम नहीं है, हाँ पाड़ने की देरी है बस। कहते ना कि चक्रवर्ती की कन्या है, तो उस चक्रवर्ती की कन्या में तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें चक्रवर्ती की कन्या में सिर्फ हाँ पाड़ना है बस, कि तुम तैयार हो कि हाँ तैयार है, हाँ की देरी है। उस चक्रवर्ती कन्या के लिए तुम्हें कुछ काम करना है कि तबीयत खराब है कि श्रृंगार करना है, नहीं नहीं, चक्रवर्ती कन्या हर तरह से तैयार है, बस तुम्हें क्या करना है, हाँ पाड़नी है। ऐसे इस मार्ग में क्या करना है, हाँ पाड़ना है बस, कुछ नहीं करना, बना बनाए भगवान है। गुरुदेव श्री कितनी बार कहते हैं कि हाजरा हजूर, अभी अभी अभी
अभी मौजूद है, हाँ पाड़ो। और हाँ पाड़ने का भी हमने बहुत बड़ा अर्थ करके रखा है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे डूबना पड़ेगा। अरे हाँ पाड़ना, सामने से हाँ पाड़ो। तुम्हें दुनिया में कोई सौदा अच्छा लगता है तो सामने से हाँ पाड़ते हो कि अलग से कुछ करते हो? सीधे हाँ पाड़ो, हाँ परमात्मा है। कम से कम मानस तो बनाओ कि सुख यही है, स्वभाव के आश्रय से ही सुखी हुआ जा सकता है। देव दर्शन का भी यही प्रयोजन है। आज हम सबको प्रत्यक्ष में, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष में देव दर्शन नहीं मिल रहा है, तभी देव दर्शन का प्रयोजन क्या है? देव दर्शन का प्रयोजन क्या है कि देव दर्शन का प्रयोजन यही है कि तुम सामने से स्वीकार करो कि जैसे मैं अपने स्वभाव के आश्रय सुखी हूँ, ऐसे तुम अपने स्वभाव के आश्रय सुखी हो सकते हो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसी के लिए तो जिन मंदिर जाया जाता था। एक्चुअल क्या, जीव को जिन मंदिर जाने का भी प्रयोजन नहीं पता। यदि जिन मंदिर जाने का प्रयोजन पता चले तो वो जीव यथार्थ में जिन मंदिर जाए, और जिन मंदिर जाने का प्रयोजन था कि जैसे प्रभु स्वरूप में निमग्न है, ऐसे स्वरूप का निर्णय करो, ऐसे स्वरूप की प्रतीति करो, ऐसे स्वरूप का अनुभवन करो। अब जीव उस चीज़ को नहीं समझता है तो वो जिन मंदिर जाने की जिद करता है, जबकि श्री गुरु कह रहे थे कि हमने तुम्हें थीम सीखने कही थी, तुम थीम सीखो। यदि पाप का उदय है तो तुम थीम सीखो, तुम्हारे अंदर में थीम आ जाएगी तो तुम दुखी नहीं होगे, तुम सुखी रहोगे, और तुम्हारे अंदर में थीम नहीं आएगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए भैया कि ज्ञानियों को तो एक यही भावना है कि समस्त जीव पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, ऐसा कहते हैं। और एक और सुंदर बात कि पूर्णानंद स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, कि अनुभव में क्या आना चाहिए? सुख। ज्ञायक की श्रद्धा का फल सुख, ज्ञायक के ज्ञान का फल सुख, ज्ञायक में निमग्नता का फल सुख। और जब निमग्न कहने का, निमग्नता के लिए कहा जाए तो श्रद्धा ज्ञान उसमें गर्भित होती है। भैया जाओ आराम करो तो कहाँ जाएं? अपने घर। सो घर कौन सा आएगी? जे वाला। तो वो घर जाने के लिए उसकी बुद्धि चली वो ज्ञान, और किस घर में जाएगी? जे वाले। तो ये श्रद्धान, जब श्रद्धान और ज्ञान होगा तो घर में आराम की कल्पना होगी, नहीं तो आराम की कल्पना भी मिथ्या है। इसलिए श्री गुरु यदि स्वरूप में निमग्न होने कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तुम पहले अपने स्वरूप की श्रद्धा करो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अपने स्वरूप का ज्ञान करो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मग्न रहो। और मग्न रहने मतलब ऐसे कोई पानी के अंदर डूबना नहीं है, मग्न रहने का अर्थ है उसकी ही मुख्यता रहेगी तो दूसरी चीज़ याद नहीं आएंगी। व्यक्ति दुकान में मग्न रहता तो क्या करता है? दुकान रूप हो जाता है। अरे दुकान में मग्न होने का अर्थ है कि उसमें इतने संलग्न हुए कि दूसरी चीज़ की याद ही नहीं आई, दूसरी चीज़ की तरफ दिमाग ही नहीं गया। उसका नाम है निमग्नता, उसका नाम है मग्न होना, ठीक है ना? तो स्वरूप में मग्न होकर सुखानुभव करो, ऐसा कहते हैं। ये देव गुरुदेव श्री का एक मंगल आशीर्वचन था, ये द्रव्यष्टि जिनेश्वर का सबसे ऊपर। अब आगे बोल चालू होगा, अपना एक घंटा पूरा होने वाला है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, आप सबों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और अपन नहीं तो बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। और अपनी कोशिश रहेगी कि अपन 4:45 से 4:45 तक इस तरह से ही मिलेंगे। और भी कोई साधर्मी हो जिसकी भावना हो तो आप अवश्य उसको बता सकते हैं। द्रव्यष्टि जिनेश्वर नाम का ग्रंथ है, कुछ गुरुदेव श्री के चुनिंदा बोल हैं इस पर, द्रव्यष्टि की प्रेरणा वाले। यदि आपके पास ग्रंथ हो तो अवश्य इसका लाभ लें, और नहीं तो मेरे पास PDF होगी तो मैं PDF आपको अरेंज कर दूंगा, तो आप उससे भी उसका लाभ ले सकते हैं। अभी अपन यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। और किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है ना? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, सके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
आप सबसे विनंती है कि आप